सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी है, और ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जोड़ दिया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहले से संभावनाएं दिखा रहे थे कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट अभी दाखिल नहीं की गई है और ऐसे में उस चार्जशीट में मेरा भी नाम आ सकता है, और वही हुआ है। और इसको लेकर अब बिहार की सियासत गर्म हो गई है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सीधे तौर पर इसको लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्या कह रहे हैं ललन सिंह, पहले हम आपको सुनाते हैं। चार्जशीट फाइल हो रहा है, कोई अप्रत्याशित नहीं है। हम लोगों जब से इस बात को ध्यान रहते कि वही होगा, क्योंकि जिस आरोप पर चार्जशीट दायर हुआ उस आरोप पर सीबीआई इसके पहले दो बार जांच करके यह बता चुकी है कि इसमें कोई साक्ष्य नहीं। अब ये 2022 के अगस्त में जब महागठबंधन बना फिर से और हम लोग उस महागठबंधन में शामिल हुए, तब से ये काम शुरू हुआ है। तो जो उनके तोते हैं उनको जो इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने तोते को शिक्षा दे के काम में अपना शिक्षा दिया और उसको उड़ाया, तो ये हम लोग पहले से जान रहे हैं। आप आश्चर्य है, एक तरफ प्रधानमंत्री 5 दिन पहले कह रहे हैं कि पूरे एनसीपी के जो नेता है वो 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले में फंसे हुए हैं, वो भाजपा के मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं, जिसने उन आरोपों पर जिन आरोप को दो बार सीबीआई जांच करके खारिज कर चुकी है कि कोई साक्ष्य नहीं है, उस पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं। सब लोग जान रहा है कि क्या कर रही है केंद्र की सरकार, लेकिन देश की जनता सब देख रही है। आप एक तरफ भ्रष्टाचारियों को सम्मानित कर रहे हैं, अपने वॉशिंग मशीन में धुलवा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो महागठबंधन में विपक्षी एकता में पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं उन पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं। तो ये डराने धमकाने से तेजस्वी प्रसाद यादव जी बड़ा बहादुर आदमी, वो सब इन सब चीजों को जान रहे थे कि उन पर क्या होने वाला है, उनको भी इस बात का अंदेशा था कि क्या होगा, वो बातचीत में कहते थे कि यही होना है, इसलिए जो करना है उनको वो करते रहे। देश की जनता 2024 में अपना हिसाब चुका। इसमें लगता है कोई साजिश कर रहे हैं उनको बदनाम करने की, कहा क्या बोला, ये तो फसाने के पूरे केंद्र सरकार का जो पालतू तोतों का इस्तेमाल करके जो विपक्ष के नेताओं को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि तुमको फंसा देंगे, उसी का आ जाए। लोकतंत्र कहां बचा है? लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है आजादी बोलने की, आजादी काम करने की। तो सारे स्वतंत्रता खत्म हो रहे हैं और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको अपने नियंत्रण में रखे, पूरे देश के मीडिया में को अपने नियंत्रण में रखे, जो मीडिया से वो चाहते हैं वही मीडिया से चलवाते हैं, वही खबर मीडिया में चलती है जो उनके मन के लायक है। तो इसलिए ये सब काम सब लोग कर रहे हैं, ये सब लोग जान रहा है, हम सब लोग जान रहे हैं, और कोई नई घटना हम लोग के लिए अप्रत्याशित नहीं है कि बहुत अचानक कुछ हो गया, ये सब हम लोग 6 महीना से जान रहे थे कि यही होता है। साफ तौर पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ कहा है कि ये जो भी केंद्र सरकार ने किया है जांच एजेंसियों का दुरुपयोग है, केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और लालू परिवार को फंसाने की कोशिश की जा रही है। पहले चल रहे इस मामले में आखिर तेजस्वी यादव का नाम क्यों आया है? तो कहीं ना कहीं अब बिहार की सियासत इस सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट के बाद गर्म हो गई है, और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तो पहले से ही संभावनाएँ जता रहे थे, वहीं अब महागठबंधन के नेता भी इसको लेकर केंद्र सरकार और खासकर नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर पूरी तरह से हमलावर है। सहयोगी विकास के साथ विशाल भारद्वाज, एसजी न्यूज़ पटना।